रामलला की लड़ाई पर मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है, लेकिन राम मंदिर को लेकर सियासी बयान भी दिए जा रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इंदौर में दिग्विजय ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए नई मूर्तियां बनवाने की क्या जरूरत आ पड़ी? रामलला की मुख्य मूर्तियां कहाँ हैं? उन्हें क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा, जबकि अयोध्या जन्मभूमि का पूरा विवाद ही वो था? सरकार को इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए था। क्या दिग्विजय सिंह को 22 जनवरी को आयोजित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है? इस सवाल का सीधा जवाब ना देकर उन्होंने इंदौर में पत्रकारों से कहा, मुझे भगवान राम के दर्शन के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है, भगवान राम हमारे हृदय में है। जी राम मंदिर जाएंगे, मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। बता दें कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 जनवरी को कहा था कि पिछले कुछ महीनों में रामलला की जो 3 प्रतिमाएं तराशी गई हैं, उनमें से किस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की जाएगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल दिग्विजय सिंह के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।